नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आटे की बहुत ही टेस्टी और यूनिक स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ। आप इस रेसिपी को सुबह चाय के साथ या शाम की चाय के साथ छोटी मोटी भूख में ले सकते हैं। तो नाश्ता देखने में जितना टेस्टी है उतना खाने में भी है दोस्तों, तो एक बार आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू को अच्छे से जब बॉईल कर लिया था, जब ठंडा हो गया तो इसको ग्रेट किया है मैंने। आलू को ठंडा होने के बाद ही ग्रेट कीजिएगा दोस्तों। और आप इसे ग्रेट करेंगे तो ये इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होंगी, तो हमारा जो नाश्ता है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक के साथ साथ इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दोस्तों, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर लिया है। और अब इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कलर के लिए थोड़ा सा कम यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ किया है, सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया दोस्तों, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। अब इसको बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। तो अच्छे से डालकर इसको हम मिक्स करके एक डो फॉर्म में लाएंगे। इससे जो कॉर्नफ्लावर डालने से जब हम नाश्ते को फ्राई करेंगे ना, तो ये जो हमारा आलू है तेल में बिखरेगा नहीं, तो इसीलिए इसमें कॉर्नस्टार्च डालते हैं। इसको देखिए अच्छे से मैंने मसल लिया है दोस्तों। हाथों में ऑयल लगा कर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा होता है। आप कॉर्नफ्लावर की जगह पे अरारोट या फिर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए होता है। अब इसको अच्छे से मसल के डो फॉर्म में ला लेना है। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए हमारा डो बनकर आटे का तैयार हो चुका है, डो फॉर्म में आ चुका है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ पे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा परात लिया है और उसको इसमें मैंने एक छन्नी में गेहूँ का आटा डाला 1 कप, और इसको छान लेंगे ताकि जो बड़े वाले पार्ट्स हो वो निकल जाए। मेरे आटे में नहीं निकला बट आप छान लीजिएगा। और 1/2 कप यहाँ पर मैंने मैदा यूज़ किया है। मैदा आप पूरे मैदे से भी बना सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डालकर अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच मोयन के लिए तेल, रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिएगा या फिर घी यूज़ कीजिएगा। सरसों का तेल आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा दोस्तों। और इसको डालकर हमें अच्छे से सभी आटों में जो तेल है अच्छे से हमें मोयन को लगाना है। तो हाथों से कुछ इस तरह से आप इसको रब करते जाइए और अच्छे से मसलते हुए पूरे आटे में हमें तेल लगा लेना है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। ना ज़्यादा आटा हार्ड होना चाहिए ना सॉफ्ट होना चाहिए, और अच्छे से मसलते हुए हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ पे। तो अब आटे से हमें 4 लोइयां बराबर भागों में तोड़ लेनी है। तो इक्वल पार्ट्स में आप बड़ी बड़ी लोइयां तोड़ लीजिए। और इसको अच्छे से हमें लोई तैयार करने के बाद 1 लोई उठाएंगे और इसको हमें बड़ी सी रोटी बेलनी है दोस्तों। तो आप इसे प्लेटफॉर्म पे बेलिए, बहुत ही इजीली हो जाता है। और सूखा आटा डस्ट कर लीजिएगा अगर आप चिपकेगा तो। और कुछ तरह से इस तरह से बड़ी सी रोटी बनाकर इसी तरह सारी रोटियां आप तैयार कर लीजिए। थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो मैं सभी रोटियाँ पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी रोटी बना ली। 1 रोटी लेंगे और जो हमने आलू का मिश्रण बनाया था तो उसको हमें हाथों से ऐसे स्प्रेड करते हुए पूरी रोटी में फैला देना है। अच्छे से पूरी रोटी पर स्प्रेड हो जाना चाहिए, तो हाथों से बहुत ही इजीली हो जाता है। अब हम दूसरी रोटी उठा लेंगे और इसको अच्छे से उसके ऊपर रख कर उंगलियों से साइड से हमें इसको प्रेस कर देना है ताकि ये खुले ना। और इस तरह से इसको अच्छे से करने के बाद इसमें हम हल्का सा बेलन चला देंगे ताकि सभी जगह पे आलू अच्छे से मिक्स हो जाए दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, चाकू की सहायता से हमें इसके साइड्स को पहले कट कर लेना है। इसको हमें स्क्वायर शेप में करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके साइड्स को निकाल दिया है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको भी फ्राई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अब इसको हमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स बना लेने हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। एक बार आप इस नाश्ते को चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने कट्स लगा कर लिया है। अब एक हम स्क्वायर्स उठाएंगे और कुछ इस तरह से अंगूठे को बीच पे रखेंगे और ये दोनों साइड को हमें ऐसे चिपका लेना है इस तरह से। और फिर दूसरे साइड से हमें इसको भी ऐसे उठा के इसको चिपका लेना है। बहुत ही देखने में यूनिक लगता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने एक बना लिया, इसे आप फूल समोसा भी बोल सकते हैं। देखिए फूल के जैसा ये हमारा एक स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको एक और दिखाऊंगी और आप इसी तरह से बनाइए। बहुत ही ईजी होता है, कोई भी मुश्किल नहीं होती है। देखिए कुछ इस तरह से आपको उठाना है और बीच में उंगली लगा कर इसको ऐसे प्रेस करना है। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि ये खुले ना। गेहूं के आटे से बनाए हैं तो वैसे भी नहीं खुलता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से बना लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा यूज़ किया है, आप पूरे मैदे में बना सकते हैं। और अब इसी तरह सारे नाश्ते को पहले मैं बना लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है दोस्तों। एक बार आप इस नाश्ते को
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी मोटी भूख के लिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बच्चे जिद करते हैं बाहर का खाने के लिए, आप इस तरह से बनाकर बच्चों को खिलाइए। घर का हेल्दी खिलाइए, बाहर के समोसे कचौड़ी मत खिलाइए। तो इसी तरह हम सारा बना लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो हमने सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए रखा था। तेल हमारा मीडियम हीट होना चाहिए, ज़्यादा हमने ऑयल गर्म नहीं चाहिए, नहीं तो डालते ही ऊपर से बबल्स आ जाएंगे और अच्छे नहीं बनते हैं दोस्तों। तो जैसे आप समोसा फ्राई करते हैं ना, बस उसको इसे हमें स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है दोस्तों। आप इसे मीडियम भी नहीं फ्राई कीजिएगा और हाई में भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप इसे मीडियम में फ्राई करेंगे तो पकेगा तो अच्छे से बट इसमें बबल्स उठने लगते हैं तो ये स्नैक्स देखने में अच्छा नहीं लगता। और हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे होते हैं। स्लो फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही खस्ता बनेंगे और जो आप जैसे समोसे वगैरह खाते हैं ना, बस उसका टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो इसको आप स्लो फ्लेम पे पेशेंस के साथ फ्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनते हैं। आप इसे चाय के साथ सुबह या शाम कभी भी छोटी मोटी भूख में ले सकते हैं। गर्मा गर्म ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे चटनी के साथ या फिर केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है, कितना इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसे मैं निकाल देती हूँ और इसी तरह अब मैं स्नैक्स को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, एक बार आप स्नैक्स को बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार में जितना आया उतना मैंने डाल दिया है, इसको अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे कम तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो एक बार में ज़्यादा तेल यूज़ करके इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं और एक दूसरे से चिपकते नहीं है दोस्तों। एक बार में जितना आ जाए उतना डाल सकते हैं आप आराम से। और यहाँ पे देखिए जो हमने साइड्स वाले कट निकाले थे ना, वो जब हमारा फ्राई हो गया तो ये बचा हुआ जो हमारा था उसको भी मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। पारे वगैरह होते हैं ना, बस उसी तरह से इसको मैंने कट करके इसको भी मैंने स्लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया। ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और कैसा बना प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो देखिए इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप चाहें तो इसे पूरे मैदे से बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा और गेहूँ के आटे में बनाया है, ये हेल्दी भी है दोस्तों। तो आप स्नैक्स को बनाइए, अपने बच्चों को घर का हेल्दी खिलाइए, बाहर का समोसा कचौड़ी बच्चों को खाना देने से अवॉइड कीजिए। बच्चे हमारे घर भविष्य होते हैं तो उनको बाहर का अनहेल्दी चीज़ बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, घर का बना हुआ खिलाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए, बहुत ही टेस्टी बने और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे जो हमने बचे हुए जो साइड्स कट लगा थे उसको भी मैंने फ्राई करके रखा है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।